एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। सर। चलो, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन किया। फोर क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समराइज करने के लिए मैंने यहां देखो लिखा हुआ है, ये आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है, केवल आप एक बार देख लो। बाद में तो वीडियो में भेज दूंगा, कुछ कॉपी एक्स्ट्रा करना होगा, नहीं तो क्या होगा, फिर एक ही सेम चीज कॉपी करते करते टाइम वेस्ट हो जाता है। आप इसको केवल समझ लो, है ना, कि क्या लिखा हुआ है। ऑलरेडी सब कुछ लिखाया हुआ है, बस मैंने एक जगह इसको डाल दिया। बाद में जब वीडियो भेजूंगा तो आप उसको अगर चाहिए तो नोट कर लेना एक साथ, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है। द फोर क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? कहता है एन डिफाइन्स द शेल, डिटरमाइन्स द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये सब मैंने बताया हुआ है। हाँ, तो मेन मेन चीजें देखो, एक तो एन जो है वो शेल को इंडिकेट कर रहा है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। आप देखो मैंने यही लिखाया हुआ है, ठीक है। और फिर जब हम सबशेल की बात करते हैं, सबशेल सबशेल क्या बताता है बेटा? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और किस पे डिपेंडेंट होता है? ये एन पे डिपेंडेंट होता है। जो एजिमिथल क्वांटम नंबर एल है वो सबशेल को इंडिकेट करता है, और सबशेल जो है वो डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, और उस उतने ही सबशेल्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर गिवन जो ये तुम्हारा एल होगा, उसके लिए हम यहां पर देखो आपने लिखा हुआ है, बिकॉज माइनस एल से लगा करके प्लस एल जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, और टोटल नंबर्स में बात करते हैं तो 12+1 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हमने किया हुआ है। और फिर लिखा था कि अगर एस ऑर्बिटल है तो एक ही होगा, एस सबशेल होगा तो एक ही ऑर्बिटल होगा, और पी होगा तो थ्री ऑर्बिटल्स होगा, और डी होगा तो 5 हो जाएगा तुम्हारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। और यहां पर देखो लिखा हुआ, टू सम एक्सटेंट एल आल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो है एक रूल जिसको कहते हैं एन प्लस एल रूल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। फिर जो एम है वो बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। लास्ट टाइम मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात भी की थी, ठीक है। रूट एल एल प्लस वन एच पाई टू पाई, और फिर इसकी बात लास्ट में की थी, यहीं पर चीजें खत्म हुई थी। टू स्पिन स्टेट्स, है ना। गलती से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत बोलना बड़ा, कहीं पर लिख करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस कर दो, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस कभी भी जग सकते हैं कि एग्जाम में तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखा, स्पिन नजर आया और तुमने घुमाना सा चालू कर दिया अर्थ की तरह, तो वैसा नहीं। तो हम केवल टू स्पिन स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है, या ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेन चीज है कि ये एक स्पेशल कैरेक्टर जो है इंट्रिंसिक, जो हमने बोला हुआ था स्पिन के लिए रूट एस एस प्लस वन एच बाई टू पाई करके लिखा हुआ था, है ना। तो आप लास्ट लेक्चर नोट्स देखोगे तो आपको मिलेगा। तो इसको आप टू स्पिन स्टेट्स, यहीं पर हमारा डिस्कशन खत्म हुआ था। अब ये टू स्पिन स्टेट्स का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाला था। और ये भी पूरा मैंने आपको समझा रखा है कि कब हम पीएक्स बोलेंगे, कब पीवाई बोलेंगे, कब पीजेड बोलेंगे, कभी जो है डीएक्सवाई होगा, डीवाईजेड होगा, ये सारा चीज मैंने बताया हुआ है। तो ये सारा किया हुआ है। कोई कंफ्यूजन बेटा इन इसमें? अभी तक का जो भी डिस्कशन किया हुआ है उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं चल,
तो ये तुम लोगों को आता है। अब वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शुरू में जैसे मैंने लिख दिया ना, स्टर्न एंड गरलैक एक्सपेरिमेंट, इन्होंने सिल्वर एटम्स को यूज किया था वेपराइज करके। सिल्वर एटम्स एटॉमिक फॉर्म में लेना है बिकॉज जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे तो जो इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हम लोगों ने लिखा हुआ था उस पे जो है बेसिकली वो टाइनी मैग्नेट का काम करता है, और दो स्पिन स्टेट्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही डिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। जबकि नॉर्मल मैग्नेट जब लेंगे तो उनके ओरिएंटेशंस अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से उनको डिफ्लेक्शंस आपको मिलेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो वही एक्सपेरिमेंट में दिखाने वाला हूँ। दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट वो हाइड्रोजन एटम्स को लेकर हुआ है। आप इस पे फोकस रहोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला केस है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आप उसको यू नो हाइड्रोजन एटम की तरह ही कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि बाकी तो कैंसल आउट हो रहे होंगे जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनर ऑर्बिटल्स पे, वो सब उस पे आएंगे। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सीधे एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं पहले। हाँ गाइस, स्क्रीन दिखाई दी? ये बेसिकली मैग्नेट को अंदर भेजा गया था। मैग्नेट है उसके ओरिएंटेशन पे इनका डिफ्लेक्शन है। हो सकता है पॉइंटिंग अप या पॉइंटिंग डाउन, देख लिया बेटा? यस सर। कुछ समझ में आया क्या? वैसे कम ही समझ में आया होगा, बट फिर भी इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा देखने में थोड़ा सा, है ना? कम भी समझ में आया होगा लेकिन इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा कि जब हाइड्रोजन एटम या एटम हाइड्रोजन, तो क्या इसमें तो सिल्वर एटम यूज किए गए थे, बट जब एटॉमिक लेवल पे हमने देखा तो दो ही डेविएशंस नजर आ रहे थे आपको, है ना? या तो वो ऊपर गया या नीचे गया। जबकि मैग्नेट में क्या होता है बेटा, मैग्नेट का अपना यू नो मैग्नेट की अपनी पोलैरिटी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली डेविएशंस, तो कई सारे जब मैग्नेट्स एक साथ डाले गए अंदर तो वो अपने अपने ओरिएंटेशंस के हिसाब से पूरे उसमें ऊपर से नीचे तक आ गए, ठीक है? जबकि जब आपने एटम लिया था तो उस केस में क्या हो रहा था, या तो वो ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ गया, बीच में कहीं कोई नहीं आया। क्या बात समझ में आई? ये बेसिकली केवल ये दिखाने के लिए वीडियो था कि देर आर टू स्पिन स्टेट्स, दो स्पिन स्टेट्स हैं बस, जिनको हमने प्लस हाफ और माइनस हाफ बोलकर रखा है, ठीक है? तो केवल ऐसे ही मैंने आपको ये दिखाया कि एक्चुअली में पता कैसे चला था, बाकी तो हमें ये एग्जाम में नाके बराबर आने के चांसेस हैं, तो इस पे इसको लेके ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। केवल ये समझने के लिए कि आपसे अचानक से कोई आकर बोल दे कि तुम्हें कैसे पता चला, या तुम साइंस पढ़ते हो तुम्हें कैसे पता चला, कौन कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था क्या जिससे ये पता चला हो कि यस इलेक्ट्रॉन में स्पिनिंग है और उनके कोई स्पिन स्टेट्स दो हैं, कैसे पता चला? तो फिर आप ये बता सकते हो कि बिकॉज ऑफ दैट स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो ये एटम है वो एक टाइनी मैग्नेट का काम करता है,
और उस डिविएशन से हम बता कर पा रहे थे कि वहां पर दो स्पिन स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको हम पॉइंटिंग अप और पॉइंटिंग डाउन, बस इतना आप हाईलाइटेड वे में चाहे तो बाद में लिख भी लें कि दो स्पिन स्टेट्स को हम कैसे बोलते हैं, पॉइंटिंग अप एंड पॉइंटिंग डाउन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्लस हाफ को पॉइंटिंग अप और माइनस हाफ को पॉइंटिंग डाउन बोलो, किसी को भी पॉइंटिंग अप और किसी को भी पॉइंटिंग डाउन लिख सकते हो। थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है बेटा? चलो, तो ये हमने डिस्कशन फिनिश किया। कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सामने देखो। अभी अभी तुमको वीडियो भी दिखाया है इसका। ये तो तुम कौन सा आंसर? सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए जिंदगी में, सारे ऑप्शन जब लोगे तो ही बेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा। अगर तुम एक ही डायरेक्शन में देखोगे भले ही वो तुम्हें अच्छा लगे, दूसरे ऑप्शंस को एक बार देख तो लो, कहीं वो बेटर तो नहीं है तुम्हारी जिंदगी के लिए। कौन सा तुम्हें बेस्ट लग रहा है? हाँ, जरा हाथ उठाए बेटा, कितने लोगों को ए लग रहा है? ए वाले तो प्रिपरेशन ही छोड़ दें, बहुत हो गया जिंदगी में प्रिपरेशन करना, है ना, लाइफ में इतनी टेंशन क्यों लेनी है। चलो, कितने लोगों को बी लग रहा है? वो भी प्रिपरेशन छोड़ ही दें। अब भी समझाया था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है ये बदतमीजी नहीं करनी है। तुम क्या अभी मैकेनिक्स से बाहर नहीं है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, क्वांटम मैकेनिक्स है। अभी समझने के लिए दमकम चाहिए, वो पुली बनाते रहोगे, बंदर लटकाओगे, हाँ, फोर्सेस दिखाओगे, ऐसे काम नहीं चलता। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो इमीडिएट गलत कर दोगे, ये तो तुरंत ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, सी और डी में तुम सोच सकते हो। एक्चुअली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे मैंने बोला टाइनी मैग्नेट, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर सकते हो। पॉइंटिंग अप पॉइंटिंग डाउन भी है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ऐसा कुछ ये नहीं बोल सकते ना, रेस्पेक्टिवली समझते हो। अभी अभी मैंने समझाया था, ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्लस हाफ को पॉइंटिंग अप बोले और माइनस हाफ को पॉइंटिंग डाउन बोले, वो कोई भी पॉइंटिंग अप बोल सकते हो, किसी को भी पॉइंटिंग डाउन बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, ऐसा थोड़ी ना कि लेफ्ट वाले बच्चे को ही हम फर्स्ट बोलेंगे, राइट वाले कहीं से भी काउंटिंग शुरू की जा सकती है। वैसे यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप प्लस हाफ को ही पॉइंटिंग अप, अपनी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है, दो स्पिन स्टेट्स हैं। और कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था स्पिन स्टेट्स, स्पिन स्टेट्स, स्पिन स्टेट्स, और आज के शुरुआत में भी नीचे लिखा था टू स्पिन स्टेट्स, फिर भी नहीं करके आओगे, मेरा तो नाम खराब कर दोगे तुम लोग, तुम्हारा तो क्या है, चलो कॉपी कर लो। सब लोग समझ गए ना बेटा कि क्यों आंसर डी लिखना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्रस्ट मी, जो जितने भी बोर्ड लेवल पे पढ़ने वाले लोग या जो बहुत अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते वो सब यही क्लॉकवाइज एंटी, क्या बेहतरीन ऑप्शन ए लिखा हुआ, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लो क्यों नहीं दोगे मार्क्स, उन्होंने दिया मार्क्स माइनस वन। जे एडवांस में पनिश करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टिक कर रही है, जब तुमको पता नहीं है फिर भी टिक कर रहे हो। और कुछ तो उस टाइम पे टीचर्स की जॉब चली गई जो गलत पढ़ाते थे। चलो लिख लिया बड़ा, अच्छा पढ़ना है, अच्छे नोट्स बनाने, सही चीजें लिखनी है। चलो इसको देखो बेटा, अभी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम सोच सकते हो जितना जल्दी सो, लेकिन मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं अभी, तो आप इसकी चिंता नहीं करो कि तुम्हें बैठ के अभी सॉल्व करना है। तुम केवल इस बात पर ध्यान दो और कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 4 एंड एल इज इक्वल टू 1। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टाइप आर फाउंड इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम? हाँ, आ गया आंसर क्या तुमको? क्या आंसर इसमें से ऑप्शन क्या टिक करोगे? हाँ देखो कितना जल्दी, अभी तुम लोगों को हवा में बातें करोगे तुम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो एल इज वन का मतलब ही पी हो गया, तो कोई पगला ही है जो यहाँ पर 4s 4d ये सब करेगा। अब बात केवल पी पे आ गई, और पी में जब ये 1 लिखा हुआ है तो -1 0 +1 है ना, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, इमीडिएट आपको ठीक पता चल गया। कोई कंफ्यूजन बड़ा जिन्हें आ रहा है, अच्छी बात है। जो बेचारे एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बिना हेजिटेशन पूछ ले बेटा, इतना सारा कुछ अच्छे से पढ़ा है, अब प्रॉब्लम्स की बारी है। तुमने देखा होगा कि हमने की जरूर डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें, बट क्वेश्चंस आसानी से आता है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आपने ज्यादा चीजें की हो। हो जाए जैसे तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो, हाँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, अच्छा और एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो, किसी ने लिख लिया तो उसको दे दिया कि भाई लिख तू, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्लो होगा तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है समझ लो। आपको बस अपनी पैसे की चिंता करनी है, अपने सिलेक्शन करवाना है। हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, पढ़ते पढ़ते कॉपी भी करना है। क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इज इक्वल टू 2 एल इज इक्वल टू 2 एम एल इज इक्वल टू 0 डिस्क्राइब्स व्हाट? डिस्क्राइब्स एन इलेक्ट्रॉन इन अ 2s ऑर्बिटल, डिस्क्राइब्स वन ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ अ सिमिलर टाइप, डिस्क्राइब्स एन इलेक्ट्रॉन इन अ 2p ऑर्बिटल, और इज नॉट अलाउड। क्या लगता है? ऑप्शन देखो सबसे पहली चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना है, इमीडिएट तुम्हें पता चलेगा इसको देख के। अगर भाई एन की वैल्यू तुमने 2 ले ली तो ये क्या पागल हो तुम, एल की वैल्यू 2 दे रहे हो यहाँ पर, 0 1 इसके अलावा तो कुछ ले ही नहीं सकते, 0 2 n-1 ही तो रहता है और तुम दे रहे हो 2, क्या मजाक है, नॉट अलाउड। कितने लोगों को आ गया था बड़ा हाथ उठाकर बताओ, अच्छा वेरी गुड। रीड भी करिए, सोचिए भी क्वेश्चन के बारे में, और कॉपी भी करिए। ये जब एक साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है, ये नहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो हाथ नहीं चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन? देखो एक चीज याद रखना, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, +1/2 -1/2 सब हो सकता है किसी भी केस में, ठीक? तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। फिर तुमको क्या करना है, फिर देखना है कि भाई गिवेन एल के लिए क्या ये पॉसिबल है, गिवेन एल के लिए क्या ये पॉसिबल है, गिवेन एल के लिए अगर ठीक तो फिर इधर बढ़ जाओ, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल है। देखो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है 1 0 तो पॉसिबल है, 2 1 पॉसिबल है, 9 7 पॉसिबल है, क्योंकि 0 2 n-1 होता है 8 तक जा रहा है, यहां पर पॉसिबल है क्या, नो है ना, तो ये पॉसिबल है, लेकिन फिर तुमने यहां देखा तो क्या पॉसिबल है क्या, है ना, -2 से भाई +2 तक जाता है, क्या बदतमीजी कर रहे हो, -3 क्यों दे रहे हो, और बाकी सब तो नॉर्मल है मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट आंसर आ गया इम्पॉसिबल के लिए, कितना आसान है। ये सब तुम्हें आसान लगेगा या लग रहा होगा, तुमने अच्छे से नोट्स बनाया तो डेफिनेटली तुम क्वेश्चंस कर पाओगे।
अगर किसी बच्चे ने किसी भी वजह से कोई लेक्चर मिस किया हो तो बेटा वीडियो देख लेना, मैंने उसमें टॉपिक्स भी डाल रखे हैं, ऐसा भी नहीं आपको सर्च करना पड़ेगा बहुत इधर उधर। आप जाइए, जो भी टॉपिक आपने मिस किया हो उसको अच्छे से देखना, ठीक है। नोट्स होंगे तुम्हारे पास, हो सकता है कुछ फॉर्मूलाज वगैरह याद रखने में तुम्हें डिफिकल्टी हो, बट अगर तुम 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे उस पर बेस, तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। चलो हटा दें। ये और जैसा कि मैंने तुमको बोल रखा है बेटा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर होगा ना, वो बड़ा थेरेटिकल होगा, तो तुम्हें बहुत कुछ ऐसा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स फिनिश करके रखिए, इसके तुरंत बाद वो चालू करेंगे और वो जल्दी से फिनिश भी हो जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं बेटा इस पे। तुमने देखा होगा कि मैंने पहले भी तुम्हें जीमेन इफेक्ट पढ़ाया हुआ है, सर याद है क्या? सर हाँ, तो जीमेन इफेक्ट में क्या किया था हमने बेटा, जीमेन इफेक्ट या फिर स्टार्क इफेक्ट, दोनों सेम ही वे में चलता है। ये केवल मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो किसी एक का एक्सप्लेनेशन देख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली उसी के उससे हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया था कि भाई मान लीजिए कि आपने कंटेनर लिया था, उसमें गैस भर दी थी, और यहां से रे पास किया, और फिर जो है आप ये जो इसका एनालिसिस किया, इसमें से जो रेडिएशंस आ रही थी उसको एनालाइज किया, और आपने स्पेक्ट्रम तैयार कर लिया, ठीक है, जिसको आप लाइन स्पेक्ट्रम बोल रहे थे या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोल रहे थे, है ना। अब बोर साहब ने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया, सब बहुत खुश थे। फिर क्या हुआ कि भाई ये जो तुमने सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ली थी, इसको तुमने रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। फिर उसके बाद आपने एनालाइज किया ये जो इसमें से रेडिएशंस जो एमिट हो रही थी, तो पता चला कि ये जो आपको लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं, ये फर्दर स्प्लिट हो गई, है ना, इनको फाइन लाइंस आपने बोला, है ना, ये फर्दर स्प्लिट हो रही है। तो इसी स्प्लिटिंग को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, जीमेन इफेक्ट। तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया गया कि आपने मान लीजिए कि यहाँ पर एन इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, या फिर एन इज इक्वल टू कुछ और भी ले सकते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और यहाँ पर आपने ले लिया एन इज इक्वल टू 2, ये ले लिया है। तो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में एन इज इक्वल टू 3 के लिए फिर तुम यहाँ क्या बना लोगे बेटा, एल इज इक्वल टू, हाँ एल इज इक्वल टू आप यहाँ पर बना सकते हो, एल की वैल्यू 0 ले लिया, 1 ले लिया और 2 ले लिया, यहाँ पर आप क्या लोगे बेटा, यहाँ पर एल की वैल्यू आप लोग ले लोगे 0 और 1। फिर ट्रांजिशन जो होगा वो तुम्हारे केवल एन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ट्रांजिशन डिपेंड कर रहा है किसकी वैल्यू पे, एन और एल दोनों की वैल्यूज पे। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या होगा, ये तो एक पार्ट हो गया। उसके बाद जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो आपको एल दिख रहा है, जिसको आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो हमने लिखा था रूट एल एल प्लस वन एच बाई 2 पाई, तो उसका जो एम है, जिस जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो डिसाइड कर रहा है कि कितने उसके ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। उन्हीं ओरिएंटेशंस के बेसिस पे फर्दर स्प्लिटिंग ऑब्जर्व हुई, क्योंकि ये वाली जो स्प्लिटिंग थी ये तो सोमरफेल्ड ने भी एक्सप्लेन कर दी थी। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, तो जो आपको फर्दर स्प्लिटिंग ऑब्जर्व हुई वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। क्या मेरी बात समझ में आई? सर हाँ, तो यहां पर जैसे अब मान लीजिए कि आपने यहां पर लिख लिया एल इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 2, और यहां पर एल इज इक्वल टू लिख देता हूं 1, तो एल इज इक्वल टू 2 के लिए अब तुम्हारे पास
यहां पर क्या क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर जैसे आपने लिख दिया -2 -1 0 +1 +2, और l इज इक्वल टू 1 के लिए इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। यानी कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अलग अलग हो गए। पहले जो केवल एक ट्रांजिशन दिख रहा था इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर लिख भी सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां हाईलाइट कर देना, और फिर ये वाला कब एप्लीकेबल होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पहला एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हारे ऑटोमेटिकली ट्रांजिशंस बढ़ गए। क्या बात समझ में आई? यही काम आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करोगे तो भी आप इसी तरह से जो ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं ऑर्बिटल एंगुलर में उसके बेसिस पे आप यहाँ पर बता सकते हो और जीमेन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई डिफिकल्टी नहीं, ये पहले भी हमने किया हुआ है। क्लियर है बेटा? यस सर। आप देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, दिख रहा है ये सब क्या है? तो ये अभी तक तो एडवांस एग्जाम में नहीं आया है, बट एज यू नो वो नया नया कुछ देने के लिए पॉपुलर एग्जाम है, तो हो सकता है कुछ ऐसा पैराग्राफ में दे दे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले। तो अगर तुमने पहले से चीजें की हुई है यू विल बी मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो इसीलिए जानबूझकर हम ऐसी चीजें हर चैप्टर में कराते हैं, और ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर का कोई चीज हर बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सब कुछ एक साथ आ जाएगा, लेकिन अभी तक जैसे ये नहीं आया, हो सकता है तुम्हारे टाइम पर आ जाए, तो हम हमेशा ऐसे ही विश करते हैं। चलो तो ये कॉपी कर लो, फिर मैं आपको लिखाता हूं बेटा कि ये सिलेक्शन रूल क्या है, अलाउड ट्रांजिशंस क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशंस क्या है, ठीक है। वो नीचे का डिजाइन बस बना लोगे तो दैट विल बी इनफ, जिसमें एल इज इक्वल टू 2 और एल इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और फिर उसमें हमने ML दिखाए हैं, ये +2 +1 0 -1 -2, ये ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस तो फिर ये पिंक क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करते हैं। करता है, अभी तुमने देखा नहीं तो वेरी गुड बेटा, ये जो लिखा है ना एनोमलस जीमेन इफेक्ट, ये उसी की वजह से अभी आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। देखो जैसे जैसे ये चीजें के हम प्रोग्रेसिव वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे जैसे एविडेंसेस आए, जैसे जैसे एविडेंसेस आते थे उसी तरह से साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशंस भी दे रहे थे। तो हम तो भविष्य में बैठे हुए हैं ना, तो आप हम सब कुछ देख पा रहे हैं, है ना, उनकी कमियां भी देख पा रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कमी रहेगी उनके मॉडल में, उनके साइंटिफिक जो थियरी या प्रपोज किया है, तो वो हम अभी देख पा रहे हैं। पहले तो हम प्रोग्रेसिव वे में जा रहे हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। चलो हो गया बेटा। लिखिएगा, इट इज फाउंड फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रम डेटा, इट इज फाउंड फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रम डेटा दैट सर्टेन ट्रांजिशंस, दैट सर्टेन ट्रांजिशंस आर मोर लाइकली टू अकर, सर्टेन ट्रांजिशंस आर मोर लाइकली टू अकर, मोर लाइकली टू अकर देन अदर्स, देन अदर्स, देन अदर्स, द वंस दैट हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी, द वंस दैट हैव, द वंस दैट हैव हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग आर कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशंस, अकरिंग आर कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशंस, व्हाइल वंस दैट आर लेस लाइकली,
टू टेक प्लेस लेस लाइकली टू टेक प्लेस लेस लाइकली टू टेक प्लेस आर कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। देखो इसमें बहुत कुछ हम तो नहीं कर सकते, सिलेक्शन रूल को हम यू नो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ इसमें जो जैसे यहाँ पर सिलेक्शन रूल किसके बेसिस पे आया है, तो कुछ कंजर्वेशन रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन रूल्स के बेसिस पे सिलेक्शन रूल बनाया गया, तो हम लोग जस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, केवल अपने को आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। हाँ, अब इसमें रूल क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है? तो सिलेक्शन रूल कहता है कि जो जब भी कोई ट्रांजिशन होगा तो वो ट्रांजिशन तभी अलाउ किया जाएगा जब डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन हो, प्लस माइनस वन दोनों चलेगा। डेल्टा एल की वैल्यू, सिलेक्शन रूल के बारे में बता रहा हूं बेटा, सिलेक्शन रूल के बारे में कि कब ट्रांजिशन को हम अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे, जब डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन हो और डेल्टा एम यानी डेल्टा एम एल की वैल्यू जीरो भी चलेगी और प्लस माइनस वन भी चलेगी। ठीक है, यहां पर क्लियरली पता होना चाहिए डेल्टा एल जीरो अलाउड नहीं है। क्या बात समझ में आई? सिलेक्शन रूल लिख लो बेटा कि केवल उन्हीं को आप अलाउड ट्रांजिशंस बोलोगे जिन ट्रांजिशंस में डेल्टा एल प्लस माइनस वन हो और डेल्टा एम एल जीरो या प्लस माइनस वन हो। क्लियर है? तो गलती से भी ट्रांजिशन यहां से यहां नहीं करा देना है। बात समझ में आई ना? ये ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? डेल्टा एल कितना हो जाएगा? टू माइनस टू जीरो, जबकि डेल्टा एल क्या होना जरूरी है? प्लस माइनस वन। क्या चीज बेटा? अब ध्यान से सुनना बेटा कि अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से सोचें तो ml की कई सारी वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर l के लिए, यहाँ भी ml की कई वैल्यूज हैं पर्टिकुलर l के लिए, तो ट्रांजिशंस बहुत से हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन वो कह रहा है कि जो है डेटा जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा का होता है उसके बेसिस पे हमने देखा कि सारे ट्रांजिशंस हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो ज्यादा मिलते हैं या जो जिनके होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशंस, और जिनके होने के कम चांसेस हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई कुछ रूल्स के बेसिस पे जिन्हें हमने कंजर्वेशन रूल्स बोला, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बेसिस पे हमने एक सिलेक्शन रूल बनाया ट्रांजिशंस के लिए। और उस सिलेक्शन रूल में हमने क्या बोल रखा है बेटा? सिलेक्शन रूल में हमने बोल रखा है कि देखो ऐसा है, आपको ट्रांजिशन के लिए बस इतना चेक करना है कि डेल्टा एल जो हो वो प्लस माइनस वन हो और डेल्टा एम एल जो हो वो जीरो चलेगा, प्लस माइनस वन चलेगा, इनको अलाउड ट्रांजिशंस बोलेंगे। क्या अब समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो कभी भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आज आ जाए कि आपको ऐसा दिया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू नो फॉरबिडन ट्रांजिशन, तो केवल तुम ये देख लो कि उसमें जो भी दिया हुआ है ट्रांजिशन में उसमें डेल्टा एल क्या वो प्लस माइनस वन है, अगर है तो फिर डेल्टा एम एल चेक कर लो, वो जीरो या प्लस माइनस वन होगा तो उसको हम अलाउड ट्रांजिशन बोलेंगे, वरना फॉरबिडन ट्रांजिशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलो एक पार्ट ये हमने फिनिश किया, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी इस पे आया नहीं है, ये तो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे समझ लो। चलो अब आप बात करेंगे ये जो नॉर्मल जीवन इफेक्ट है और ये एनोमलस जीवन इफेक्ट है ये क्या है। इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखो बेटा, लिखिएगा
when spin states were not discovered, and only orbital angular momentum was considered. ट्रांजिशन के लिए हमने क्या कंसीडर किया था बेटा, ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कंसीडर किया, इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो. तो इट वॉज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट. तो उसको हमने क्या बोला बेटा, हाँ नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट बोला. और बाद में हाँ, क्योंकि जो शुरुआत में हमने, जब हमने ये प्रपोज नहीं किया था टू स्पिन स्टेट्स, लेकिन हमको उसमें यू नो क्लोजली स्पेस्ड वो जो लाइंस मिल रही थी, जिनको बाद में हमने बोला कि वो जो डबलेट्स मिले वो बिकॉज ऑफ स्पिन स्टेट्स मिले, उस बिकॉज उस समय हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसको एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट बोल दिया था. तो आप ये लिखिएगा, when we consider intrinsic angular momentum of the electron, then it is called anomalous Zeeman effect. दोबारा सुन लो, anomalous word क्यों आया, क्योंकि हमको बाद में जब ये जो तुमने देखा कि हमें फर्दर, आप जैसे हमने केवल ML कंसीडर किया, तो केवल ML कंसीडर करोगे तो लाइंस जो है मिल गई आपको, दैट इज ज़ीमन इफेक्ट, दैट्स ओके. लेकिन फिर जब हमने बोला ना हाई रेजोल्यूशन पावर का, जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोप यूज किया तो हमें फर्दर डबलेट्स मिले, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने टू स्पिन स्टेट्स कंसीडर किया, राइट. लेकिन ये तो बात की बात है ना, जब मिला होगा, जब आपको डबलेट्स मिले होंगे उस टाइम पर ज़ीमन इफेक्ट को क्या बोलने लगे हम लोग, एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट. क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? चलो, तो ये भी हमने कंसीडर कर लिया है. अब इस पे ये हो गया, आगे बढ़ते हैं. चलो, अब डालिएगा हेडिंग बेटा एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि आज हम लोग इसके बाद एक बड़ा स्पेशल डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बगैर उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर स्टार्ट नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग अभी नहीं डालना है, अभी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का डिस्कशन करना है बेटा. शुरू करें बेटा, एक नोट लिखिएगा बेटा. एज अ रूल देखो, हमारे पास, हम ज्यादातर बात बार बार कर रहे हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस, ठीक है ना. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिखोगे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स भी होंगे, तो रूल्स बदल जाते हैं जब आप बात करते हो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की. तो यहां पर लिखिएगा, एज अ रूल वी से फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस, energy of orbital is decided by principal quantum number only. While in multi-electron atoms, ब्रैकेट में लिख देना हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज डिसाइडेड बाय एन प्लस एल रूल. क्या मैंने आपको बताया बेटा, एन प्लस एल रूल. अब ये एन प्लस एल रूल क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां लिख लो, लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल is the
एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। और अगर बाय चांस एन प्लस एल सेम हो जाए दो ऑर्बिटल्स के लिए, इफ एन प्लस एल इज सेम देन लोअर वैल्यू ऑफ एन इंप्लाइज लोअर एनर्जी। लोअर द वैल्यू ऑफ एन, लोअर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, अभी हम इसको एन प्लस एल रूल के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, बट ये एनर्जी चेंज क्यों होती है तो आप इसको ऐसे समझ लो बेटा कि जैसे ये न्यूक्लियस है मान लो, है ना। अगर मान लीजिए कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो यहां इलेक्ट्रॉन है समझ लो। अब इसकी एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्योरली जो है वो इस इंटरैक्शन पे डिपेंड कर रही है ना। कौन से इंटरैक्शन पे? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। केवल एक ही तो इंटरैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा कुछ है क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. लेकिन लेकिन जैसे ही तुमने मल्टी इलेक्ट्रॉन बोला तो न्यूक्लियस होगा। मान लीजिए कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तुम जिसकी एनर्जी की बात करना चाहते हो यहां पर है, ऑर्बिटल यहां पर है मान लो, तो उस केस में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, यहां भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनका भी तो इंटरैक्शन चालू होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में। क्या मेरी बात समझ में आई? इसीलिए एनर्जी वैल्यूज बदल जाती हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपना जो फोर्स है जो यहां तक वो पहुंचा रहा था, इसमें कोई बैरियर नहीं है, लेकिन यहां से यहां पहुंचने में इस केस में स्क्रीनिंग हो गई। स्क्रीनिंग वर्ड समझते हो बेटा? स्क्रीनिंग समझते हो? हाँ, नहीं समझते हो? देखो, एक टाइम पे जानते हो जेई एडवांस का जो एग्जाम, पहले आईआईटी जेई सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो उसमें क्या होता था, बिकॉज सब बच्चों के सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वो तो चेक करते थे हाथ से सब्जेक्टिव पेपर्स को, है ना, सॉल्यूशंस को, आंसर्स को। तो वो क्या करते थे, पहले मान लो कि उस टाइम पे लेट अस से 6-7 लाख बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लेते थे। इस एग्जाम का नाम ही स्क्रीनिंग होता था। तो उसमें क्या होता था, मान लीजिए 6-7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, अब उन 6-7 बच्चों में उन्होंने लेटर से 25,000 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सीट्स केवल 3,000 थी, ठीक है, ओनली 3,000 सीट्स वर देयर पहले जब सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो स्क्रीन कर दिया उन्होंने, यानी कि 7 लाख बच्चे आ रहे थे, एक बैरियर लगाया, उससे निकल पाए कितने, 25,000 बच्चे जो एग्जाम देंगे फाइनली सब्जेक्टिव, उनके पेपर चेक होंगे और उनका सिलेक्शन होगा 3,000 रैंक में। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है ये पूरा अपना चार्ज भेज पा रहा था पहले, लेकिन अब क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, शील्ड हो गया, शील्डिंग लग गई ना। जो स्क्रीनिंग का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, शील्डिंग। तो इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इससे ऑफ कोर्स इसकी एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, राइट। तो इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टाइम पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। उससे मैं आपको मैथमेटिकली वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा कि किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम या ज्यादा क्यों है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, क्योंकि जिसको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, मोर स्टेबल इंप्लाइज लोअर एनर्जी। लेकिन उसको प्रूव करना है मैथमेटिकली, वो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में भी करने ही वाले हैं। तब तक के लिए आप इस रूल को आंख बंद करके यूज करना, आंख बंद करके, क्योंकि यही रूल आपको क्विक आंसर देगा, मैं वो पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं इसको तो करना ही करना है। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स देर इज शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंटरक्शन आर देयर, एज अ रिजल्ट एनर्जी विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो भी सामने लिखा है बेटा हटा दें,
अभी हटा दें। अब आप ध्यान से देखना, आप इसको यूज करते हैं। मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख देता हूं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिस्टम मतलब एटम आयन की बात कर रहे हैं, और एनर्जी जो है समझ लो ऐसे बढ़ रही है, एनर्जी ऐसे बढ़ रही है ना, इस वे में एनर्जी जा रही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बेटा कि आपके पास क्या क्या हो सकता है। ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है बेटा। ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, NL करके लिखते हैं ना हम लोग, जैसे कि यू नो 1s लिखते हैं, 2s लिखते हैं, 2p लिखते हैं, ऐसे। तो ये रिप्रेजेंटेशन तुमको पहले से आता है। तो आप सोचो अगर तुम्हारे पास यू नो एन की वैल्यू 1 है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। एल की वैल्यू 0 होगी तो तुम सीधे सीधे यहां पर जो है अगर एक तो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, ऐसा 1s करके लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं तुमको दे रहा हूं एन की वैल्यू 2, जैसे ही तुमने एन की वैल्यू 2 दी तो एल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं बेटा, माइनस, हाँ 0 और 1 हो जाएगा, एल की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगा। एल की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 2s और 2p। लेकिन क्या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एल पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि मैं 2 यहाँ पर बना दूंगा 2s और यहाँ पर 2p बना दूंगा। क्या बात समझ में आई, 2p में वो px, py, pz सारे आ जाएंगे, क्लियर है। चलो अब इसी तरह से n की वैल्यू अगर मैंने 3 लिख दी, n की वैल्यू 3 दिख ली तो केवल n पे, वो n पे ही डिपेंड कर रही है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो यहां पर क्या हो जाएगा बड़ा, 3s आएगा, फिर क्या आएगा 3p आएगा, और फिर क्या आएगा, समझ गए। तो ये सब एक ही एनर्जी लेवल पे इस तरह से रखे हुए हैं। अब तुम जरा यहां पर आ जाओ, यहां पर जैसे ही तुम आए तुमने बोला n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 है इसका मतलब l की वैल्यू 0 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, और यहां पर n प्लस l पे डिपेंड करता है, एक ही ऑर्बिटल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुमने यहां 1s बना दिया। जैसे ही तुमने अब n इज इक्वल टू 2 चूज किया, L की वैल्यू हो सकती है यहां पर 0 और 1, L की वैल्यू 0 और 1 हो गया। अब तुम्हारे पास जो 2s और 2p ऑर्बिटल आया, क्या वो सेम एनर्जी का है, या आप बोल सकते हो 2s की एनर्जी कम होगी 2p के कंपैरिजन में, बताइए 2s के लिए n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है या 2p के लिए। देखो ना, इसके लिए 2 है प्लस 0 यानी 2, यहाँ पर 2 प्लस 1 क्योंकि p का मतलब 1 हो गया ना, तो 3। तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा बनाऊंगा 2s और यहाँ पर क्या बनाऊंगा, जब इधर इसी इसी केस में बन जाएगा, यहाँ पर आपने इस तरह से दिखाया 2p, px, py, pz तो वैसे ही रहेगा, उसमें नहीं चेंज होगा, केवल आपने 2p ऊपर बना दिया, कोई प्रॉब्लम बेटा, नो। अब यहां पर समझ लो कि तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 3 आ गया, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां पर तुम्हारे पास क्या क्या आ जाएगा, अब तुम्हारे पास 3s है, 3p है, 3d है। अब इसके लिए बेटा n प्लस l की वैल्यू बोलो, 3 प्लस 0 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 2 इज 5, तो बताइए क्या होगा, तो यहां पर हम 3s बना देंगे, फिर यहां पर आपने 3p बना दिया, और फिर यहां पर आपने 3d बना दिया। बोलो ना, 2p और 3s तो एक ही जगह पे आएंगे, 2p और 3s, मैंने कुछ गलत कर दिया, तो कहेंगे दोनों का एनर्जी सेम आ रहा है, n प्लस l से मैं तो n, जैसे इसके लिए तुमने दोनों के लिए n प्लस l देखा,
फिर उसके बाद n प्लस एल रूल में एक और चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो क्या करें, n का वैल्यू चेक करें, क्योंकि तुम वो बाय डिफॉल्ट था, पहले से ही था। तो बताइए किसकी वैल्यू n की कम है इसमें, ना बेटा? हाँ, क्योंकि 2p के लिए भी तुमने बोला कि यहाँ पर 3 वैल्यू है n प्लस एल, इसके लिए भी 3 है, लेकिन 2p के लिए फिर n की वैल्यू चेक कर लेंगे, वो 2 है यानी लोअर वैल्यू है, उसकी एनर्जी नीचे कर दी। बात समझ में आ गई? ये तुम्हें समझ में आ गया। अब ये जो आपने सिस्टम यहाँ बना रखा है, अब इसमें हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। सबसे नीचे वाली एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और बाकी सब क्या हो जाती हैं, एक्साइटेड स्टेट्स, मानते हो कि नहीं, एक्साइटेड स्टेट। तो अब मेरे को बताओ कि यहां पर इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कोई कंफ्यूजन बेटा? हाँ, अब तुम इसमें देखो, इसमें क्या बोलेंगे, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया, बात समझ में आई, इसमें ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया, क्या बात समझ में आई? क्योंकि यहां एनर्जीज अलग अलग हो गई ना, तो एक्साइटेड स्टेट में अब आप नहीं बोलोगे 2s 2p को फर्स्ट में रखेंगे, ना ना, 2s फर्स्ट एक्साइटेड, 2p सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। ये है डिफरेंस जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डील कर रहे हो। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? यस सर। तो इसको कॉपी कर लो बेटा, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, और जब तुम एनर्जी का ऑर्डर लिखोगे ना तो ऐसा आता है 1s लेस देन 2s, इस तरह चलता चला जाएगा, लेस देन आप लिखते रहिएगा यहाँ, ये ठीक है ना, 1s ऑर्बिटल, फिर 2s ऑर्बिटल, फिर 2p ऑर्बिटल, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d। अब कहां फंस रहे हैं, देखो यहां पर तुमको प्रॉब्लम आया 4s वर्सेस 3d, 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, और 3d के लिए कितनी है n प्लस एल की वैल्यू, 5 है, 5 है। तो 4s देखो तुम्हारा n इज इक्वल टू 4 है, लेकिन उसको तुमने 3 से भी पहले भर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपका n अकेला डिसाइड नहीं कर रहा है यहां पर एनर्जी, n प्लस एल डिसाइड कर रहा है, और n प्लस एल 4s के लिए कम है, 3d के लिए नहीं, इसीलिए 4s को पहले फिल करते हैं, 3d को बाद में फिल करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में पहले जाएगा, अभी मैं रूल्स आपको लिखाऊंगा। ये एनर्जी डायग्राम है, मैंने बॉक्स के फॉर्म में भी आपको बताया और ऑर्बिटल्स लिख करके भी दिखाया। चलो हो गया बड़ा, हटा देंगे जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वहां क्लियरली आप n प्लस एल निकालना, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसी गलती मत कर देना। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जब एनर्जी ऑर्डर लिखा जाता है तो 1s लिखते हैं लेस देन, फिर आएगा क्या, 2s इक्वल टू 2p लेस देन, 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d लेस देन, ऐसे चलता है बेटा। हो गया, हटा दें इसको। अब यहां पर एक टर्म हम यूज करते हैं बेटा, मेरे ख्याल से ये सब कॉपी कर लिया होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं। हाँ, एक टर्म हम लोग यहां यूज करते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स,
degenerate orbitals. Degenerate orbitals. Those orbitals which have same energy, they are called degenerate orbitals. Orbitals which have same energy are called degenerate orbitals. ठीक है, और यहीं पर एक नीचे टर्म लिखिएगा डीजेनरेसी. नीचे एक टर्म लिखिएगा डीजेनरेसी. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बेसिस पे ही वो टर्म आया है डीजेनरेसी. इसके लिए नोट लिखिएगा. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, number of orbitals having same energy in a particular energy level is called degeneracy of that energy level. Is called degeneracy of that energy level. Is called degeneracy of that energy level. अब देखो तुम्हारे लिए interesting questions भी इस पे बहुत बन सकते हैं बेटा. JEE में आया हुआ है और फिर आने के चांसेस हैं. सामने देखो, मान लीजिए आप वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डील कर रहे हो. किसमें डील कर रहे हो? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में. सामने हाइड्रोजन वाला दिख रहा है. अगर आपसे अचानक से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का डीजेनरेसी कितना है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, तो क्या आंसर दोगे? कितने ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी सेम है? नहीं, ऑर्बिटल्स बोला गया है, सबशेल नहीं बोला गया है. क्या बोला गया है? ऑर्बिटल. तो क्या हो गए? 4. फिर अचानक से क्वेश्चन आ गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बताइए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की. व्हाट इज योर आंसर? 9. दिख रहा है? 9 दिखा सबको? दिख रहा है? कहानी बदल गई. यहाँ पूछा गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बताइए, आंसर क्या होगा? 0. अरे पगलू, क्या बॉक्स दिख नहीं रहा है? अंधा भी देख के बता सकता है एक बॉक्स. जीरो ऐसा होता है. दिमाग कैसे रख कराया है? चलो आगे साइंस डेवलप कर पाएंगे क्या ऐसी कि दिमाग घर पे रख के आ गए? चलो आगे आते हैं. सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बताओ. 3. ये तुम लोग लिख लो, फिर तुम्हें जेई का क्वेश्चन भी दिखाता हूँ जो आया हुआ है और नॉर्मल क्वेश्चंस भी. तुम तो मैं एक सेंटेंस यूज करता हूँ कि ऐसी पढ़ाई करो कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठो तो सुन करके आंसर लिख दो. अब तुम्हें हंसी आएगी ये स्टेटमेंट सुन के. सुन कर लिखने का मतलब ये बोलता हूं मैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स खुद इवेपोरेट हो रहे हो कि भाई ये ऑप्शन है सिलेक्ट कर. ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है. बी खुद ही उछल उछल के तुम्हें बताए कि मैं हूं, मुझे सिलेक्ट कर, इस लेवल पे पढ़ाई करनी है. ये कॉपी कर लिया होगा और अपने आप लिख रहे हो तो मैं हटा दूं बेटा ये. तुम्हें केवल यही लिखना है डीजेनरेसी यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, सेकंड एक्साइटेड. तो सामने दिख भी रहा है, केवल काउंट ही तो करना है. और नंबर तो काउंट करना तो मम्मी ने सिखाया था बचपन में. कुछ प्रॉब्लम हो तो उनसे बात करो. खूब मेहनत करनी है लेकिन पैनिक नहीं करना है. वही लोग टॉपर्स बनते हैं बेटा जो कूल और काम रह पाते हैं. ये नहीं कि 2 क्वेश्चन नहीं आए तो पैनिक में आ गए. है ना, चाइना ने केवल स्टेटमेंट दे दिया कि कभी भी हम वॉर कर सकते हैं और यहाँ लोग पैनिक हो जाएं, ऐसा नहीं चलता है. ताकत दिखानी है अपनी टाइम आने पर, पैनिक नहीं होना है. 2-4 गलतियां हो भी जाएं, इट्स ओके, प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना है. चलो हटा दें इसको. मेहनत खूब करना बेटा,
राइट डायरेक्शन में स्मार्टली करना है चीजों को, इस तरह से इतनी सारी चीजें आप पढ़ रहे हो उसका फायदा उठाना है, नोट्स अच्छे से बनाने। अगर आपके पास नोट्स अच्छे होंगे, कुछ चीजें याद नहीं है कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स करोगे चीजें अपने आप याद होने लगेंगी। तो इस बात की चिंता नहीं करना है कि मुझे कोई फॉर्मूलाज याद नहीं है, इतने सारे फॉर्मूलाज आपने बता दिए, इतनी थ्योरी लिखा दिए, अब इसको क्या करें, इतना सारा कैसे एग्जाम में लेके जा पाएंगे, तो उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी। Just keep on solving questions. Questions करो, questions के थ्रू तुम्हें automatically formulas याद हो जाएंगे, ठीक है? चलो, अब देखो बेटा क्या आंसर बता सकते हो। क्या आंसर है? सबको क्लियर है? ये भी तुमको आ गया, ये तो अभी अभी हमने किया हुआ था, है ना? अब इसको कहते हैं सूंघ के आंसर करना, कि तुमको कोई जरूरत ही नहीं महसूस हो रही कुछ करने की, ऐसी आंसर इसका बताओ। जल्दबाजी भी नहीं करना है और घबराना नहीं है। देखो कई लोग क्या है, उन्होंने हीलियम देखा और पगला गए। हीलियम देखने बोला ये मल्टी इलेक्ट्रॉन है, जबकि भूल गए वो एची प्लस है। अरे दो इलेक्ट्रॉन, एक तो तुमने छीन लिया, अरे भिखारी को थोड़े पैसे मिले थे, कटोरे उठा लाए तुम उसका और पूछ रहे हो क्या खाया था। अरे भाई सारा पैसा तो तुम लेकर चले गए। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी फिर वही चीज करनी है। क्या आंसर होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे पूछा है बेटा। चलो तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हल्का फुल्का आप लिख लो, ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं है। ये जेई का क्वेश्चन है, ये कर लिया तो समझ लो आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, वरना ठाकुर कॉलेज तो हाई है। अच्छा इस क्वेश्चन में जो पहली इंफॉर्मेशन दी है ना कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच एटम इज नाइन, वो तो फालतू में दिया है। अरे भाई हमको पता है, बता क्यों रहे हो, उससे तुमने क्वेश्चन आसान कर दिया, फिर पढ़ने का हमारा क्या फायदा हुआ? सबने कर लिया इतना आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो सुन सुन कर करोगे तुम लोग। चलो सबने कर लिया ना, थ्री आ गया सबका ना। हाँ देखो भाई एच माइनस जो है वो एक्चुअली में हीलियम टाइप का ही तो हुआ, मल्टी इलेक्ट्रॉन हो गया। एच माइनस बोल दिया तो दो इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन हो गया तो आपकी जो डिजेनरेसी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का, अभी मैंने जो आपको दिया हुआ था उसमें साफ साफ बन रहा था कि 1s अलग था, 2s जो था वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया था, और जो 2p था वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए वहां कितना था 2p, तो ये आपका PXPYPZ आंसर कितना निकला? 3। हाथ उठाकर बताओ बेटा कितने लोगों ने सोच लिया था? बस तुम लोग गए IIT बॉम्बे, वेरी गुड। चलो हटा दें इसको। अब यही चीज कई बार होती है बेटा कि मतलब आप सोचिए, मैं अक्सर बोलता हूं कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि सेम चीज तुम लगातार कर रहे थे, तुम्हें आंसर भी लगातार आ रहा था, जैसे ही ये बोला गया कि ये जी एडवांस का क्वेश्चन है, आप वहीं पर पैनिक हो गए, क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ने लगे और आंसर गलत निकालने लगे। ये T3 आंसर सही है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें आंसर नहीं आया। अभी दो क्वेश्चन के पहले वाले फटाफट आंसर किए, वो एनर्जी लेवल देख करके, और यहां पर फंस गए। तो आप पैनिक नहीं करें बेटा, जितना कूल और काम रहेंगे उतना आप जो है आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे।
क्वेश्चन क्रैक करना है, मेहनत करनी है, लेकिन पैनिक नहीं करना है। कॉपी के लिए हटा दें। चलो, तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से डील कर लोगे। अब आते हैं मेन, जिसके लिए ये सब पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यही वो है जिसकी वजह से आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। चलो ब्रेक ले लो बेटा।